हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की लेसन में हम लोग बात करते हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट ऑफ बिटुमिन। बिटुमिन के जो सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर से दोस्तों एक लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। ओके, सो फ्रेंड्स, डायरेक्टली हम लोग जंप करते हैं लेसन में। सो फ्रेंड्स, इधर आप एक सेटअप देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके का होता है, एक बिकार की तरह है। तो इसमें देखिए आपका बिटुमिन फिल किया गया हुआ है, इसमें एक थर्मोमीटर भी है और देखिए इधर पर्टिकुलर स्टील बॉल रखा हुआ है, दो स्टील बॉल हम लोग रखे हैं दो साइड में और नीचे देखिए हम लोग हीट देते हैं, स्टार्ट कर दिया हम लोग। अब देखिए जैसे जैसे आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसके साथ देखिए जो थर्मोमीटर का रीडिंग भी आपका इंक्रीज होता जाएगा। अब देखिए एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में क्या होगा, जो बिटुमिन है आपका सॉफ्ट हो जाएगा और इसके वजह से जो स्टील बॉल्स है वो नीचे आ जाएगा और इधर आके आपका बॉल्स रुक जाएगा, तो उस टेम्परेचर को हम लोग नोट कर लेंगे, तो वही होगा आपका सॉफ्टनिंग पॉइंट ऑफ बिटुमिन। अब फ्रेंड्स देखिए, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट को हम लोग रिंग एंड बॉल टेस्ट भी हम लोग बोल रहे हैं। क्योंकि इधर हम लोग स्टील बॉल्स यूज कर रहे हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए। इट इज़ द टेम्परेचर एट हुईच द सब्सटेंस अटेन्स ए पर्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनिंग अंडर स्पेसिफाइड टेस्ट कंडीशन। सो फ्रेंड, सॉफ्टनिंग पॉइंट है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसमें आपका बिटुमिन एक पर्टिकुलर डिग्री ऑफ सॉफ्टनिंग अटेंड करता है, तो इसको हम लोग कह रहे हैं सॉफ्टनिंग पॉइंट। सो इसमें कुछ पॉइंट है, देखिए यूजुअली डिटरमाइंड बाय रिंग एंड बॉल टेस्ट, हार्ड ग्रेड बिटुमिन हायर सॉफ्टनिंग पॉइंट। अगर बिटुमिन जितना हार्ड होगा, उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा और जो सॉफ्ट ग्रेड बिटुमिन है उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट भी कम होगा। जनरली जो बिटुमिन का सॉफ्टनिंग पॉइंट है 35 डिग्री टू 70 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। हायर द सॉफ्टनिंग पॉइंट लोअर विल बी द टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी। जितना आपका सॉफ्टनिंग पॉइंट हाई होगा उसका टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी उतना कम होता है। सो फ्रेंड्स, इसका मतलब समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए किसी पार्टिकुलर एरिया की आपका वेदर की टेम्परेचर होता है आपका 40 डिग्री सेल्सियस ऑन एन एवरेज मान लीजिए। अब इस कंडीशन में अगर मान लीजिए हम लोग एक बिटुमिन यूज कर रहे हैं जिसका सॉफ्टनिंग पॉइंट है आपका 35 डिग्री सेल्सियस। सो उस कंडीशन में अगर हम लोग इस बिटुमिन को यूज करते हैं, जैसे ही टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर चला जाएगा तो जो बिटुमिन है वो आपका सॉफ्ट हो जाएगा और इसके वजह से जो प्रॉपर्टी हम लोग चाहते हैं, जो बाइंडिंग प्रॉपर्टी बिटुमिन का हम लोग चाहते हैं, वो हम लोग अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोगों को मिनिमम सॉफ्टनिंग पॉइंट जिसका 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है उस तरीके के बिटुमिन उस वेदर कंडीशन के लिए यूज करना है। सो इसलिए सॉफ्टनिंग पॉइंट के बारे में जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बेसिकली जो वार्म वेदर कंडीशन है उसमें सॉफ्टनिंग पॉइंट ज़्यादा काम में आता है, जैसे मान लीजिए आपका इंडिया। इसमें सॉफ्टनिंग पॉइंट जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था सॉफ्टनिंग पॉइंट के बारे में। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ़ यू अंडरस्टैंड देन लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों, मिलते हैं अगले लेसन में।